शिमला में वैक्सीन महोत्सव का शुभारंभ, सीएम जयराम ठाकुर ने किया शुभारंभ। युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा प्रिकॉशन डोज अभियान। शिमला में बादल फटने से भारी नुकसान, सेब के बगीचा को पहुंची क्षति, सीएम ने दिए राहत कार्य चलाने के निर्देश। आम आदमी पार्टी ने भगवानों के हक में उठाई आवाज, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, सरकार से राहत देने की मांग। शिमला में पेंशनर ने दी सामूहिक अनशन की चेतावनी, मांगों को लेकर किया अल्टीमेटम, सरकार कर रही वोट की राजनीति। नूरपुर में हर परिवार को दिए गए 3 फलदार पौधे, मुहिम में पर्यावरण को होगा फायदा, बागवानी से जुड़े रहने का मिलेगा मौका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। देश भर में कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव को शुरू कर दिया गया है। इसके तहत 18 से 59 साल के बगीचे के सभी पात्र आयु समूहों के लिए एहतियाती खुराक निःशुल्क लगाई जा रही है। हिमाचल में मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से कोरोना वैक्सीन अमृत महोत्सव अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि वो अपने प्रिकॉशन डोज के लिए नजदीकी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर जाकर पंजीकरण करवाए और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टीकाकरण करवाए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हिमाचल ने पहले कोविड टीकाकरण को अभियान के तौर पर लिया है, ठीक उसी तरह प्रिकॉशन डोज अभियान को भी युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। मुझे आप सबके बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जहां पूरा देश आजादी के 75 साल मना रहा है, वहां एक स्पेशल ड्राइव जो हमारी कोविड की वैक्सीन की, उसको भी उसमें शामिल किया गया है और आज हमने हिमाचल प्रदेश में यहां शिमला में उसकी विधिवत शुरुआत की। और ये ड्राइव जो है 15 जुलाई से 30 सितंबर यानी कि 75 डेज के लिए, 75 दिनों के लिए ये ड्राइव रहेगी, जिसमें जिसको हम चाहे यहां बोलने में बूस्टर डोज भी बोलते हैं या प्रिकॉशनरी डोज जिसको बोलते हैं, वो डोज जो है वो लगाने का हमने पूरे देश भर में जो हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने तय किया और उसमें हिमाचल प्रदेश भी उसमें आगे बढ़कर के काम कर रही है। और 1 जनवरी 2019 के बाद पंजीकृत वाणिज्य वाहनों को आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली यानी कि ईआरएसएस के साथ एकत्रित करने वाले हिमाचल देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। दिल्ली में हुए निर्भया प्रकरण के बाद 2017 में केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जाने के बाद परिवहन विभाग ने वाणिज्य वाहनों के पंजीकरण के लिए वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसका विधिवत शुभारंभ आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में किया है। इसी के साथ हिमाचल व्यवसायी वाहनों को ईआरएसएस के साथ एकत्रित करके देश का पहला राज्य हिमाचल बन गया है। आपको बता दें कि हिमाचल में अभी तक 9,423 वाणिज्य वाहनों में उपकरण लगाए जा चुके हैं। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हिमाचल प्रदेश ने एक नया इनिशिएटिव लेते हुए जो लोकल ट्रैकिंग डिवाइस के लिए कंट्रोल रूम के साथ जोड़ते हुए एक बेहतरीन शुरुआत की है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल करेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें कि चाहे वो महिलाओं के, चाहे वो बच्चों की, बेटियों की सुरक्षा की बात है और उनकी सहायता की बात है, उस बात को भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। और इसके साथ साथ में कहीं अगर घटना दुर्घटना अगर होती है तो उस सारी चीज में मदद जल्दी से पहुंच सके, रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों के जीवन को उस संकट में बचाया जा सके।
और हिमाचल प्रदेश में बरसात में भारी नुकसान हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। बीते दिन किन्नौर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। किन्नौर जिले के चांगो क्षेत्र में बादल फटने से पुल और सेब के बगीचों को काफी क्षति पहुंची है। लगता है कि बहुत जल्दी हमको सारी डिटेल्स उसकी अभी तक जानकारी तक ही प्राप्त हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसकी डिटेल्स मालूम करेंगे। देखिए, इस सिलसिले में बरसात शुरू होने से पहले ही हमने अधिकारियों के साथ बैठक कर ली थी और उसके पश्चात हमारे डिप्टी कमिश्नर के साथ भी दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई है, सबको अलर्ट पे रखा है और खासतौर से जो हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ हमारा जल शक्ति मंत्रालय, सभी महकमों को ये आदेश दिए गए हैं जहां भी बारिश के कारण कोई क्षति होती है, सड़क टूटती है तो उसको रिस्टोर करना जल्दी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि सेब का सीजन भी हमारा शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ में जो सावधानियां बरतने की जरूरत है उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि टूरिस्ट भी आता है और कई जगह इस प्रकार की घटना जब घटित होती है तो उसमें जानमाल का नुकसान होता है। और एचआरटीसी पेंशनर्स को मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एचआरटीसी पेंशनरों को अभी तक रिवाइज पेंशन देने के आदेश नहीं दिए गए हैं। 2016 के बाद पेंशनर्स को भत्तों के करोड़ों रुपए के भुगतान नहीं हुए हैं। डिमांड हमारी एक ही है कि हम पेंशनरों के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार और एचआरटीसी न्याय नहीं कर रही है। हमारा रिविजन ऑफ पेंशन भी लटका पड़ा है और हमारा जो पीछे से डीए का एरियर है, इंटरम रिलीफ जो हमें नहीं मिला है वो भी लाखों रुपए पर कुंडली मार करके एचआरटीसी और सरकार बैठी है। और हमारी मुख्य मांग ये है कि एचआरटीसी के पेंशनर्स की समस्या का स्थायी समाधान हो। और जलरक्षक संघ मंडी का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जलरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी से मिला है और जलरक्षकों की मांगों को जल्द पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जलरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ज्वालू राम ने कहा है कि जलरक्षक संघ अपनी मांगों को 4 सालों में कई बार प्रदेश सरकार के समक्ष रख चुका है। सबसे पहले तो हम मीडिया चैनल वालों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो कि बार बार जलरक्षकों का मुद्दा जो प्रमुखता से उठाते रहते हैं। हम जलरक्षक लगभग 4 सालों से सरकार के सामने लगातार महीने में दो दो बार, एक बार, तीन बार मिल रहे हैं, पर अभी तक जो है हमारी मांगे जो हमारी प्रमुख मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। और इनके मांगों को लेकर हम 4-5 दिन पहले अपने माननीय जल शक्ति मंत्री और सीएम साहब से मिले थे। सीएम साहब ने और आजादी के अमृत महोत्सव पर मनरेगा के तहत वन मंत्री राकेश पठानिया ने सहयोग से नूरपुर ब्लॉक की पंचायत सुलियाई में हर परिवार को 3 फलदार पौधे दिए जा रहे हैं। इस मुहिम से एक तरफ पर्यावरण को फायदा होगा तो वहीं दूसरी ओर लोगों को बागवानी और जमीन से जुड़े रहने का अवसर भी मिलेगा। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों को पर्यावरण से जुड़ने का मौका मिल रहा है और इससे हमारा जो जनरल पब्लिक है या जो हमारे गांववासी हैं उनके लिए ये दोनों तरह से लाभदायक है, क्योंकि हम लोग जमीन से भी जुड़े रहेंगे और पर्यावरण को भी इससे बहुत सहायता मिलेगी। तो ये मुहिम बहुत अच्छी है सरकार की और मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारी पंचायत को कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव जो लोगों के लिए लाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम माननीय वन युवा सेवा एवं खेल मंत्री श्री राकेश पठानिया जी के निर्देशानुसार प्रत्येक परिवार को 3 पौधे अपने गांव में दे रहे हैं। नरेगा के अंतर्गत हम ये पौधे रोपित करवा रहे हैं और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। धन्यवाद। नरेगा के अंतर्गत हम ये पौधे रोपित करवा रहे हैं और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में अब बागवानी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार बागवान को राहत देने की बजाय उनका शोषण कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को आम आदमी पार्टी ने कुल्लू में बागवानों के हक के लिए आवाज उठाई है। आप कार्यकर्ताओं ने बागवानों की समस्या को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है।
तमाम मीडिया कर्मियों का, मेरे भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। मैं संजय संधु, आम आदमी प्रदेश प्रवक्ता। आज हमने डीसी साहब को अपने सभी साथियों से नाचन बल मंडी जितने भी सुंदरनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी से जो भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं सबने एकजुट होकर आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि ये जो बागवानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है इसे तुरंत बंद कर दिया जाए। देखिए सेब जो है हिमाचल के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कारोबार है, ये कमाई का एक अच्छा साधन है और सेब के जो बागवान हैं इनके साथ जो हमारे लोग हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। और कांगड़ा टांडा स्टेट हाईवे पर मेडिकल कॉलेज टांडा के पास देर रात को भूस्खलन हो गया है जिसमें 8 प्रवासी मजदूर भी चपेट में आ गए हैं। घायल मजदूरों को तुरंत आसपास के लोगों ने मलबे से निकालकर टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया है जहां 8 में से 7 मजदूरों की हालत स्थिर बनी हुई है जबकि एक घायल मजदूर को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। खबर आपको कांगड़ा से बता रहे हैं जहां कांगड़ा टांडा में भूस्खलन की घटना हुई है। घटना में 8 मजदूर घायल हुए हैं जिसमें 7 मजदूरों की हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है जबकि एक जो मजदूर हैं उनको चंडीगढ़ पीजीआई में रेफर कर दिया गया है। देखिए इस समय जो मेजर नुकसान वो दो जगह रिपोर्टेड है, एक तो जो ढांगू माजरा रोड है वहाँ पे उस रोड का अराउंड 70-80 मीटर्स का जो स्ट्रेच है वो चक्की खड्ड के अंदर पानी आने की वजह से वॉश अवे हो गया है और वहाँ के लोगों को एक्सेस जो है वो कट ऑफ हो गया है। आर्मी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की गई थी, उन्होंने एक जो टेम्प्रेरी पेडेस्ट्रियन पाथ है लोगों की आवाजाही के लिए वो खोला है और साथ ही पीडब्ल्यूडी को भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि वहाँ पे जो जीपेबल बनाने के लिए एग्जिस्टिंग रोड को जितना भी कार्य रेस्टोरेशन का है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। साथ ही साथ कल रात को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है कांगड़ा में टंडा खोली में जहाँ पे 7 जो वर्कर्स हैं उनको। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।